हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो ऑल ऑफ यू, आपको दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है जीएसटी है। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक में नहीं, बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभी हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर मेरे चैनल में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है देखना तो प्लीज़ जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, शायद आपको अपने मतलब की कोई वीडियो मिल जाए। और नहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले तो हम ये जानेंगे कि पहले तो जीएसटी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ देंगे अपना क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट एंड एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट एडवांटेज और बहुत सारा थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, ओके। अब ये पता चल गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, मींस इसका पूरा फुल फॉर्म ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। इसको वेरीफाई किया गया था, सोलो फिर इसको वेरीफाइड करवाया गया था हमारा 29 मार्च 2017, ठीक है। तो इसका हमने क्या अभी इतने देर में क्या सीखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये वेरीफाइड हुआ था 29 मार्च 2017, ओके। ये आपको अंडरलाइन में दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। मतलब अगर जीएसटी लागू हो जाता है अपने इंडिया में, वह तो लागू हो ही चुका है, तो जो फालतू के इस ये टैक्स हो वो टैक्स हो, तो ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ अपन को अब जीएसटी देनी पड़ती है। सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही होगा, ठीक है। फिर द गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सबसे पहले लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये इस दिन ये पास आउट हो चुका था विद द पार्लियामेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स विच इज़ जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब हम ये इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हैं, दिस लॉ हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज दैट प्रीवियसली एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो भैया मैंने अभी आपको बताया, जो फालतू के टैक्स होते थे वो सब हमने कैंसिल करवा के सिर्फ अकेला जीएसटी का टैक्स देना पड़ता है हमको बस, ठीक है। जीएसटी इज़ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, मतलब आप सिर्फ एक यही टैक्स बचा है पूरे अपने कंट्री इंडिया के लिए, है ना। तो अब थोड़े से इसके एडवांटेज जान लेते हैं। जीएसटी हैज़ मेनली रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द स्केल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मतलब इसमें कुछ रिमूव कर दिए गए हैं कुछ ऐसे इफेक्टेड जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज में लगते थे, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट दैट इंपैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करते थे तो उस सब में चीज़ों में हटा दिया है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिक्रीजेज, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना, वैसे आप वीडियो सुन लोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, और मैंने पहले भी इसके एडवांटेज बताया। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो फालतू के टैक्सेस होते थे हमें वो नहीं देने पड़ते, हमें सिर्फ अकेला पूरे कंट्री एंटायर कंट्री के लिए सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, वो है सिर्फ जीएसटी, ओके। अब हम चलते हैं हमारे जो जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वी हैव ओनली थ्री कंपोनेंट, ठीक है। देयर आर थ्री टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर दिस सिस्टम, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ओके। अब ये जो सीजीएसटी है वो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन हैपनिंग विथ इन महाराष्ट्र, मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो ये वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं बाय द इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। अब एसजीएसटी, अब आप इसको लर्न कैसे करोगे, ये किस गवर्नमेंट से क्या होता है, कलेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, तो सिर्फ अकेला जहाँ पे एसजीएसटी लगेगा सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सी जीएसटी और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये एसजीएसटी वाला सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पे, तो एसजीएसटी कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, ट्रांजैक्शन होता है विद इन महाराष्ट्र, ये वाला भी ऐसे गया है, ठीक है। अब आईजीएसटी में
कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो ट्रांजैक्शन का, रियू निज़ाइम का, ओल्ड वगैरह का, सबका ये देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करने चलते हैं कुछ स्लैब्स के। ठीक है, एक पॉइंट और है जो कि बुक में नहीं है, ये संविधान 221 के तहत पे हमारा GST टैक्स आता है। ठीक है, अब तो आपने पढ़ा होगा, चाहो तो आप नोट्स से भी उतार सकते हो। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम अपने गवर्नमेंट को पेड करते हैं। ठीक है, अब कुछ टैक्सेस हैं जो कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें 0% टैक्स लगता है, मींस लगता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेश मिल्क, न्यूज़पेपर, हनी, वीट, फ्रेश फ्रूट, सॉल्ट, बेसन, राइस, पापड़, रोटी, चपाती, जो कि मम्मी लोग बनाती बट फिर भी पता नहीं कंपनी वाले क्यों निकाल देते हैं। एनिमल फूड मींस चारा हो गया, या फिर और एनिमल फूड में काफ़ी चीज़ें आती हैं। बुक्स आती है, बुक्स सिर्फ आती हैं इस टाइप की बुक्स, मतलब जिनको हम सब पढ़ सकते हैं। नोटेबल नोटबुक नहीं आती हैं, मींस जो हम कॉपीज़ होती हैं वो नहीं होती है इसमें। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम चलते हैं कि ये इसमें हमने आपको बताया था कि GSTF 5, 12, 18 and 28 मींस वी हैव 4 स्लैब्स, मींस किन किन ये इतनी परसेंटेज होती हैं कि किन किन चीज़ों में कितना परसेंट GST लगेगा, तो हम चलते हैं वो उस पर। सो ऑल ऑफ यू 5% स्लैब्स GST टैक्स में देखो आप सब लोग, चाय हो गया, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड बीयर, सोयाबीन, काइट्स मींस पतंगे, आइसक्रीम, सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ब्रांडेड पनीर, कोयला, कैरोसिन, LPG, लोहा, स्टील, झाड़ू हो गया, तांबे के बर्तन हो गया। हम चलते हैं 12% GST टैक्सेस में, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो सेव कर लेना मेरी। ओके, अब 12% किन किन चीज़ों में लगता है, देखो ड्राई फ्रूट्स, घी, बटर, नमकीन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सॉल्ट, अम्ब्रेला, बायोगैस, कैंडल, सॉस, टूथपेस्ट पाउडर, स्पेक्टिकल लेंसेज मीन्स जो चश्मे होते हैं इनके, वैसा वाला गॉगल वाला नहीं, नॉर्मल वाला जिनके पावर रहते हैं वो, साइकिल, LED लाइट, टॉयज, मतलब खेल का सारा सामान में 12% टैक्स लगता है। हम चलते हैं 18% वाले टैक्सेस पे। सॉल ऑफ यू आप लोग देख सकते हो 18% टैक्सेस में आ गए हैं। तो देखो सबसे पहले बिस्किट, पास्ता, प्रिजर्व वेजेस में, वेजीज, वेजिटेबल, कैमरा, स्पीकर, प्रिंटर, CCTV कैमरा, हेयर ऑयल, सोप, हेलमेट, एल्यूमिनियम फॉयल, नोटबुक, मैंने आपसे बताया था बुक्स में नहीं लगता है बट नोटबुक में 18% मींस थर्ड नंबर का स्लैब परसेंटेज लगती है इसमें। जैम, जेली, सूप, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली मींस जो वैसलीन होती है मार्केट में अवेलेबल वो। ठीक है, टॉयलेट पेपर, स्टील प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखने चलते हैं कि हमारे 28% स्लैब्स GST में कितने कितने सामान आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार हो गया, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, ऑटोमोबाइल, पान मसाला, हीटर, परफ्यूम, वॉलपेपर जो आप दीवारों में चिपकाते हो, राइट, मेकअप प्रोडक्ट्स, सुन लो लड़की है, सबसे महंगा है आप लोगों का। ठीक है, च्युइंगम हो गया, वॉल पेंट्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इसमें टाइप्स के टूथपेस्ट होते हैं, कोई कोई में कम GST होता है, कोई कोई में ज़्यादा होता है ना। शेविंग क्रीम, सोप, पहले भी पढ़ा है तो वो सोप की जो क्वालिटी हो गई उसके अकॉर्डिंग इसमें GST लगता है। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ATM, रबर टायर, लेदर बैग, मार्बल, वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक, फ्रीजर, जैसे एंड मायका। ठीक है, रेस्ट ऑफ दिस वीडियो, सो गाइज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, मेरा बिल्कुल मत जाएगा, थैंक यू।